हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो अभी मैं नहा धो के लगा रही हूँ तुलसी माता को धूप जोत। और बाहर का मौसम भी देख सकते हो आप कि कितना ही धूप निकली हुई है। अभी जो है ना, लगभग 8 बजे हैं सुबह के, और धूप इतनी निकली हुई है कि ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा दिन मतलब हो गया है। लेकिन अभी सुबह के 8 बजे हैं, और मैं जो आंगन में हमारे तुलसी का हमने लगाया हुआ है ना पौधा, उसको धूप और जोत लगा रही हूँ नहा के। तो यहाँ पे समीक्षा काट रही है सब्जी घिये की, जो कि समीक्षा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन काट रही थी, सुबह सुबह होता है ना काम, तो समीक्षा जल्दी से मेरे लिए जो है ना वो सब्जी काट देती है, तो फिर मैं बना लेती हूँ झट से। और इधर फिर स्कूल के लिए भी उसने जाना था ना, तो तैयार हो रही थी। और ये समर्थ उसकी ना वीडियो बना रहा था, मुझे बोल रहा था कि मम्मा मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ, दीदी तैयार हो रही है। तो उसकी वीडियो बनाई थी समर्थ ने, और मैंने इसमें डाल दी है। स्कूल के लिए तैयार हो रही थी ना वो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो करो। समीक्षा तो जा रही है स्कूल अभी ना, समीक्षा के स्कूल हो गया स्टार्ट और समर्थ के। और देखो बाहर पंछियों ने कितना शोर मचाया हुआ है ये। और ना समीक्षा के तो हो गया स्कूल स्टार्ट, अभी समीक्षा ने ना क्या किया है कि घिया काट दिया है, और घी को सीटी आ रही है। अभी मैंने कुकर में बनाया है घिया, क्योंकि घिया जो है ना वो समीक्षा का फेवरेट है। नहीं है फेवरेट क्यों? और समर्थ का? बोलो कुछ, समर्थ कुछ सोच विचार के बोलने वाला है। कौन सा घी अच्छा लगता है, बेसन वाला? अच्छा, समर्थ भी खाना खाने बैठ गया दीदी के साथ, बोल रहा है शायद। मैं तो भूल ही गया था बेसन वाला घी आता है। हाँ, ये तो भूल गया कि बेसन वाला घी अभी होता है। और ना समीक्षा तो खाना खा रही है। समीक्षा के हो गए स्कूल स्टार्ट, और समर्थ के नहीं हुए हैं अभी। और समीक्षा अभी नेक्स्ट क्लास में हो गई है ना, तो उसके स्कूल जो स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि फिर से कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। तो अगर लॉकडाउन लग गया ना, तो पिछले साल भी बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी इनकी, अगर ऐसा हुआ ना तो इस साल भी हो जाएगा। और समर्थ के तो मजे लगे हुए हैं, है ना? देखिए खाना भी आराम से नहीं खाता है। और ये देखिए आंगन में मैं बिछा रही हूँ एक चादर, तो इस चादर पे मैं डालने वाली हूँ धनिया, जो हमने धनिया उखाड़ा हुआ था ना वो वाला धनिया डाल रही हूँ। तोड़ लिया था मैंने उसकी जो धनिया की टहनी होती है ना, उनसे तोड़ लिया था। और इसको अभी धूप में डालूँगी, क्योंकि गीला था ना ये, तो धूप में डालूँगी इसको, पूरा दिन धूप लगाऊँगी। तो उसके बाद फिर मैं इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि ये सूख जाएगा ना, तो उसके बाद फिर मैं इसको साफ़ करूँगी। और ये समर्थ जो है ना वो मेरे आगे पीछे घूम रहा था, इसको भी बहुत लगता है काम करने का। और ये देखिए, ये है वो धनिया जो मैं धूप में डाला हुआ है ना मैंने, अभी ये सूखा नहीं है। जब सूख जाएगा ना, तब इसमें से ये जो सारा कूड़ा वगैरह होता है ना वो निकल जाता है। तो अभी इसको पूरा दिन धूप लगाऊंगी, और शाम को मैं इसको जो है वो साफ़ करूंगी। और ये जो है ना शाम की क्लिप है, जब मेरा धनिया सूख गया था, तो फिर मैंने इसके साथ ये, इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं शज, तो ये जो शज, इसको मतलब इससे इसकी शंटाई होती है ना, तो इसके साथ इसको अभी मैं शांटूंगी, क्योंकि अभी इसको साफ़ करना है ना, तो इसमें से सारी गंदगी चली जाती है, और ये जो धनिया है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। और ये धनिया जो है ना हमारे घर का ही है, अभी हमने थोड़ा सा उखाड़ा था, बाकी का खेत में ही था। तो मैं अपने हस्बैंड को ना बार बार बोल रही थी कि देखो हमारे घर में कितना धनिया निकला है। अच्छा लगता है ना ऐसे, जब आप खुद घर की चीज़ निकालो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि अभी इसको होने तो दो, पहले बाकी का भी है उखाड़ने को। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमने मतलब घर का निकाला हुआ था ना धनिया, तो घर की चीज़ का तो अपना ही अलग मज़ा होता है। तो इससे मैं अभी इसकी ना छटाई कर रही थी धनिए की, इसको कर रही थी साफ़। और ये देखिए अभी इसको ना एक बार फिर मैंने साफ़ करना है, धूप लगानी है एक बार फिर, उसके बाद ये जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, खाने के जो खाने के लिए हो जाएगा तैयार। तो ये देखिए, ये अभी भी
एक धूप लगानी पड़ेगी इसको। तो इसमें देखिए कितनी गंदगी निकल रही है, और ये देखो साफ हो गया है धनिया। और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे घर में धनिया निकला। अभी ये थोड़ा सा ही है, बाकी का हम लोग उखाड़ रहे हैं। और ये देखो ये हमारा जो बचा हुआ धनिया था ना, वो वाला उखाड़े थे। मेरे हस्बैंड जो है ना, वो आ गए थे शाम को ड्यूटी से, तो आके ना वो खेत में लगे हुए थे और मुझे बोल रहे थे कि मुझे बोल के गए थे कि दिन में तुम इसको उखाड़ लेना। लेकिन आपको पता ही है इतनी धूप होती है ना दिन में, और घर का काम ही नहीं ख़त्म होता, तो मुझे टाइम नहीं लगा। और शाम को जब आए ना ये, तो चाय वगैरह पी के बैठ गए खेत में। तो फिर ये अगर खेत में चले जाएँ तो फिर हमें तो जाना ही पड़ता है। और ये ना इसके साथ बीच में जो एक सौंफ होती है ना, वो पीली पीली सी दिख रही होगी आपको, ये भी इसमें उग गई थी, लेकिन ये अभी पकी नहीं थी तो हमने इसको रहने दिया। तो ये हमारा धनिए का खेत है, और मैं तो इसको देख के ना खुश हो रही थी कि हमारे घर में धनिया निकल रहा है। और ये साथ में हमने ना बोए हुए थे जो भिंडियाँ भी बोई थी ना, छोटी छोटी उग गई हैं। और ये देखो बैंगन, अभी यहाँ पे ना बैंगन का पौधा था ना, तो इसके ऊपर भी बैंगन लगने शुरू हो गए हैं। और सच में ना जब घर की सब्जी होती है ना, तो उसका अलग ही मज़ा होता है। आप लोग भी अगर घर में तैयार करते होगे ना सब्जी, तो बहुत अच्छा लगता होगा कि हमारे घर में थोड़ा ही सही, इस बार तो बारिश के करके ना बहुत मुश्किल हो गया था, बारिश नहीं ना हुई टाइम से, लेकिन फिर भी हमारे लिए इतना ही निकल गया, वो भी बहुत है। तो अभी मैं भी इस धनिया को उखाड़ रही हूँ, तो जो बच गया था उसको उखाड़ रही हूँ। ये देखिए सूख गया ना, एकदम से सूख जाता है ये धनिया। तो आप देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।